नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करने के लिए पहला हिंदुस्तान का अंडरग्राउंड टनल बनाने का प्रपोज जो आइडिया था उसे पास कर दिया गया है, जो कि भविष्य में असम से अरुणाचल प्रदेश तक बहुत ज़बरदस्त अप्रोच करेगा, जिस पर किसी भी प्रकार के अटैक के ड्यूरेशन में भारतीय सेना बहुत आसानी से ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश पर अपनी पूरी की पूरी घुसपैठ और ताकत बढ़ा सकती है, जिसकी लंबाई 14.85 किलोमीटर होगी। इसकी लंबाई जो होगी चीन से ज़्यादा होगी। एक तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर भारत की जो सेना की गाड़ियां हैं लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी और इस पूरी की पूरी टनल को मात्र 30 मिनट से एक घंटे के अंदर अंदर क्रॉस करके अपनी इस वाली लोकेशन पर अपनी आर्मी को तैनात करके पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर पाएंगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, चाइना पर इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से, किस रीजन की वजह से इसको बनाना आवश्यक बन गया था, ये सभी चीजें आज हम इधर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर 20 जुलाई से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए इस गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। सबसे पहली चीज, इस चीज को समझिए कि हमारे देश के अंदर, ये भारत का नक्शा है, ऑब्वियसली सभी जानते होंगे, भारत पर अटैक करने के लिए चाइना के जो डिस्प्यूटेड सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला डिस्प्यूटेड सेक्शन ये वाला है, यहां से अभी गलवान वैली और पेंगोंग सो लेक पर भारत के साथ विवाद चल रहा है। काफी लंबी विवाद के बाद में यहां से पीछे हटाया, तो पीछे हटाने के बाद में पुराना अगर इतिहास देखा जाए तो चाइना के पास अटैक करने के लिए या तो ये वाला सेक्शन है या फिर यहां से वो अटैक करके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। जैसे ही घुसेगा तो यहां पर ये जो बीच में ये रास्ता है, यहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से वो क्या होगा, बाढ़ के दौरान वैसे भी यहां पर इंडियन आर्मी या किसी भी तरीके की आवाजाही रुक जाती है, तो यहां से चाइना जब अटैक करता है या कर सकता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास रास्ता खराब हो जाता है। अब ये चिकन नेक है, चिकन नेक से ऑब्वियसली जाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर भी आपको इस ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसे क्रॉस करने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो रास्ता है ब्रिज के द्वारा क्रॉस किया जाए। अब ब्रिज के द्वारा क्रॉस किया जाए तो जाहिर सी बात है अटैक के दौरान की परिस्थिति के अंदर इस ब्रिज को ब्रेक किया जा सकता है, इस ब्रिज को तोड़ा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा तरीका है अंडरग्राउंड कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, लेकिन इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए भी तो आपको बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है और आए दिन ब्रह्मपुत्रा में उफान की वजह से इसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और चाइना की बढ़ती हुई घुसपैठ को देखते हुए, दादागिरी को देखते हुए, भारत सरकार ने अपने देश की उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को और मजबूत करने का प्रयास किया है, जहां पर किसी भी प्रकार से चाइना अटैक कर सकता है, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश से आसाम तक, जैसे कि ये वाला सेक्शन है आपके पास, कौन से वाला, ये अरुणाचल प्रदेश से आसाम तक का ये जो सेक्शन है, यहां पर से ये पूरी की पूरी मजबूती के साथ इस रास्ते को स्ट्रांग करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया। इसीलिए इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट ने इसे परमिशन देकर के अप्रूवल दे दिया है और इसे बनाने का आदेश दे दिया है और इसे तेजी से बनाने के लिए भी बोला गया है, जिसके अंदर टनल जो बनेगी वो बनेगी 14.85 किलोमीटर की। इस 14.85 किलोमीटर की टनल को पूरी स्पीड से नॉर्मली भी चलते हैं तो 30 मिनट से आधे घंटे से एक घंटे के अंदर अंदर आप अरुणाचल प्रदेश की उन लोकेशंस पर खड़े होंगे जहां से किसी भी प्रकार से कोई घुसपैठ होती है। अभी हाल ही में 2018 के अंदर वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब ने ऑब्वियसली, ये वैसे भी ये सरकार दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को काफी मजबूत कर रही है, तो ये एक ऐसा पुल बनाया था जहां पर ट्रेन, इसे बोगीबिल ब्रिज कहा जाता है, ये बेसिकली ड्यूअल मोड में काम करता है, ट्रेन भी जा सकती है और ये रोड ब्रिज भी कहलाएगा। 4.94 किलोमीटर का है और इसे बनाने में समय तो लगा, लेकिन इसकी क्वालिटी ये कि किसी भी प्रकार के भूकंप जो 7 डिग्री रिक्टर स्केल तक आते हैं उस तक को झेल सकता है। हालांकि और भी बहुत सारे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लेकिन ड्यूअल जो ब्रिज है
ड्यूअल ब्रिज जिस पे ट्रेन भी चले और रोड भी चले, वो ये पहला ब्रिज है। ये एक ऐसा ब्रिज है या इस तरीके के जो ब्रिज है ये जोड़ते तो हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश को, लेकिन जब विवाद होगा तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाएगा तो ये एक नेगेटिव रास्ता बन जाएगा। दूसरी बात, जब जब भारत में इस सेक्शन में ब्रह्मपुत्र के अंदर उफान आया, बाढ़ आई, तो ब्रिज तक पहुंच पाना इंपॉसिबल हो जाता है। सीवर सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से पूरा का पूरा रास्ता तहस नहस हो जाता है। तब उस परिस्थिति में हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर जैसा कि आप इधर ये देख सकते हैं, ये गोहपुर है और ये गोहपुर के बाद नुमालीगढ़ है। गोहपुर और नुमालीगढ़ से इन दोनों सेक्शंस को जोड़ने के लिए अरुणाचल प्रदेश का सेक्शन हो गया, ये असम का सेक्शन हो गया। यहां से यहां तक का एक ब्रिज बनाया जाएगा। ये ब्रिज जो होगा 4 लेन का ब्रिज बनेगा, 4 लेन का टनल बनेगा और 4 लेन का टनल बनेगा ब्रह्मपुत्रा के अंदर से बनेगा, और अंदर से बनने के बाद इस तरीके से इस लोकेशन पर खुलेगा जिसे बॉर्डर पर कवर कर पाना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, देर नहीं लगेगी और तेजी से हम यहां पर अपनी कार्यवाही कर सकते हैं इसे बनने के बाद में। जैसे ही ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो चाइना की प्रोविंसेस हैं यानी ये वाले सेक्शंस हैं, इन पर किसी भी प्रकार का अटैक या घुसपैठ रोकी जा सकती है। दोनों देशों के बीच में आप जानते हैं अभी गलवान वैली के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो बात अलग है, हमारी सेना ने भी उनकी गर्दनें तोड़कर रीढ़ की हड्डियां तोड़कर जवाब दिया और बढ़िया तरीके से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आपको पता है जब पहले वॉर हुई थी तो असम तक पहुंचने के लिए और असम से इस अरुणाचल प्रदेश के सेक्शन को पहुंचने के लिए आज से पहले जो वाजपेयी की सरकार थी या जो कांग्रेस सरकार थी वो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाना चाहती थी। उनका मानना था कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो यहां पर आज नहीं तो कल चीन जो है कंट्रोल कर लेगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना इस्तेमाल करेगा। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर चाइना इस्तेमाल करेगा तो भारत सरकार खर्चा क्यों करे, ये सोच थी आज से पहले की वाजपेयी सरकार की या आज से पहले जो सरकार थी कांग्रेस की। लेकिन फिर भी वाजपेयी सरकार ने हिम्मत करके यहां पर ब्रिजेस को निर्माण करवाना शुरू करवाया। ब्रिजेस के निर्माण से क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश में कम से कम घुसपैठ तो होगी, कम से कम डिफेंड तो कर पाएंगे, ये उनकी सोच थी। धीरे धीरे मोदी सरकार आई, मोदी सरकार के आते के साथ ही ऑब्वियसली पहली बार चीन को पीछे हटते हुए हमारे हिंदुस्तान के युवकों ने देखा होगा कि पहली बार चीन पीछे हटा है, नहीं तो हर बार भारतीय सेना पीछे हटती थी क्योंकि आदेश ही नहीं थे किसी भी प्रकार के। तो अब जब असम पहुंचना होता था तो 5 से 6 दिन लग जाते थे हमारी आर्मी को बुरी परिस्थितियों के अंदर अपने ट्रक और अपने सामान को पहुंचाने में 5 से 6 दिन लग जाते थे, जिस वजह से क्या होता था आर्मी घुसते घुसते काफी अंदर तक आ जाती थी चीन की, इतनी अंदर तक आ जाती थी कि इनको निकाल पाना पॉसिबल नहीं था। वो तो बात अलग है कि उस समय में अमेरिका के दबाव में आकर के इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से तो आर्मी पीछे हटा ली, लेकिन अक्साई चीन के अंदर से इन्होंने नहीं हटाई, जिस पर आज भी विवाद है। लेकिन आगे ये विवाद ना बढ़े, आपकी सेना और मजबूती से यहां पर अटैक कर सके और मजबूती से खड़ी रह सके, उसके लिए ये 4 लेन का टनल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये टनल कुछ इस प्रकार के पाइप से दिखाई देंगे, अगर आप इंटरनली देखेंगे तो, इंटरनली जब देखेंगे तो ये गोलपुर जो है यहां पर NH-54 से नुमालीगढ़ NH-50-37 इन दोनों को जोड़ेगा ब्रह्मपुत्रा के अंदर इंटरनली, और जब इंटरनली जोड़ेगा तो ये जा करके आपके चाइना के बॉर्डर के पास निकलेगा। 14.5 किलोमीटर जो लंबी रोड बनेगी इसके अंदर दोनों अलग वेज होंगे, एक तरफ जाने का और दूसरी तरफ आने का अलग रास्ता होगा। ये रोड इतनी जबरदस्त तरीके से बनेगी कि 80 किलोमीटर की स्पीड से आपके देश के ट्रक जो है पूरी तेजी के साथ में पूरे बॉर्डर पर पहुंचने में काफी तेजी से पहुंचेंगे और अपने बॉर्डर को कमान को संभालने में आसानी रहेगी। आपके देश की सप्लाई जो होगी वो टूटेगी नहीं, ब्रिजेस को तोड़ा जा सकता है लेकिन यहां पर इसको तोड़ना इम्पॉसिबल होगा। ये प्रत्येक प्रकार के वेदर को, ये हर वेदर के लिए कामयाब है दोस्तों, किसी भी प्रकार के मौसम का इन ब्रिजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इनको बनाने के लिए चाइनीज कंपनीज को इनका ठेका दिया जाना था, पहले इसको बनाने के लिए जो बनानी जानी थी ये चाइना की कंपनी थी, ईस्ट चाइना की तालहू लेक की जो बेसिकली है वो, उन्हें बनाने का ऑर्डर दिया जाना था, लेकिन बिगड़ते रिश्तों की वजह से अब इसे वहां से हटा लिया गया और अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उन कंपनीज के द्वारा नहीं हो रही है। अब आ जाती है बात, ये हर वेदर के अंदर बनाए जाएंगे तो आपको ऊपर से साधारण लाइफ दिखाई देगी, आपको ऊपर से देखने में पता नहीं चलेगा लेकिन आपको अंदर से प्रत्येक प्रकार की सुविधा मिलेगी। सफोकेशन ना हो उसके लिए काफी प्रकार के वेंटिलेशन का भी प्रयोग किया जाएगा,
इसके बाद में फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगे होंगे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कैमराज लगे होंगे ताकि लोकेशंस को नोट किया जा सके, एक्टिविटी को नोट किया जा सके। फुटपाथ बनाए जाएंगे, सपोज कोई पैदल कवर करना चाहता है या कोई रास्ता रोकना चाहता है, रुकना चाहता है, तो पैदल रास्ते होंगे। इसके बाद में क्रैश बैरियर्स होंगे। आज तक हिंदुस्तान में ये क्रैश बैरियर्स कहीं नहीं लगे हैं। क्रैश बैरियर्स क्या होता है कि फुटपाथ पर अलग अलग तरीके की ट्यूब्स लगा दी जाती हैं, हैवी प्लास्टिक और रबड़ की, जिनसे सपोज कीजिए ये गाड़ी आकर इस ब्रिज से टकराएगी तो ये क्रैश बैरियर्स गाड़ी को पलटने नहीं देंगे, गाड़ी एक्सीडेंट होकर के सीधी ही रहेगी, पलटेगी नहीं और रोड पर बनी रहेगी ताकि दोबारा से इसे अलग तरीके से ले जाया जा सके, लाना ले जाना आसान हो और पीछे किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जैम ना हो। इसके अंदर वेंटिलेशन के साथ साथ हर वेदर में ये काम कर सके, किसी बाढ़ का, किसी भी चीज का कोई लीकेज अंदर ना हो, उसके लिए इसे पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। अब इसकी बात करें तो इसको बनाने के लिए अमेरिकन लुइस बर्जर कंपनी मिलकर साथ देगी आपके नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ मिलकर, जिसे अब ऑब्वियसली जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसे अप्रूव कर दिया गया है, अप्रूव होना था हालांकि ये 3 से 4 महीने पहले, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसे रोक दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से लड़ाई के आसार लगातार बनते जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में और तेजी से यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई और दिसंबर से इस टनल को बनाना शुरू कर दिया जाएगा, जिसे 3 फेज में बनाया जाएगा और वो सारी चीजें जो होंगी इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 100 सालों के लिए ये किसी भी प्रकार का नुकसान ना दे, किसी भी प्रकार का बेसिक इस पे ब्रेकेज ना हो और एनिमी के ट्रूपर्स जो होंगे आसानी से टारगेट किए जा सके। ये एक तरीके से भारत की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनेगा जिसमें बॉर्डर हमारा हमारे पास रहेगा और चाइना की घुसपैठ नहीं होगी। इससे जैसे ही ये पास होता है तो चाइना के कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कदमों पर रोक लगेगी और जब यह तैयार हो जाएगा तो भारत पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अरुणाचल प्रदेश में इतनी मजबूती के साथ तैयार होगा कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक लग पाना पॉसिबल नहीं होगा। और इससे पहले की जो कांग्रेस की सोच थी या हमारी इससे पहले की जितनी भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके अंदर ये एक तरीके से उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बढ़ाने की पॉलिसी थी उसको तोड़कर ये आगे अब अरुणाचल प्रदेश को और मजबूती से तैयार करने का रास्ता है। इसके लिए हम मोदी गवर्नमेंट का एक बार तो तारीफ कर सकते हैं कि हाँ, इसमें बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं अपने देश के बॉर्डर को, सीमा को तैयार करने के लिए। और ये मौजूदा सरकार की एक तरीके से जीत होगी अगर इसे प्रिपेयर कर लिया जाता है जल्द ही। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।